अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर ये इनामी बदमाशों ने कर रखा है पुलिस की नाक में दम। पांच कुख्यात गैंगस्टर्स अभी भी हैं फरार। उत्तर प्रदेश के क्राइम सिंडिकेट का पावर सेंटर बन गई थी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सभी गैंगस्टर्स पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका लगा दिया। इससे इनामी बदमाश जेल भेजे गए। ये गैंगस्टर्स जेल से फोन के जरिए अपने सिंडिकेट यानी कि व्यवसाय को चलाने लगे। स्पेशल सेल ने जुलाई 2021 में 7 लाख इनामी गैंगस्टर सोनीपत के संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दबोच कर सिंडिकेट पर बड़ी चोट की। लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी के सिंडिकेट को थाईलैंड से चला रहे वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा उर्फ टाइगर को फरवरी 2022 में भारत ले आया गया। सेल ने 2 साल से फरार चल रहे 2 लाख रुपए इनामी कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख को भी पिछले हफ्ते ही दबोचा है। अभी ऐसे नाम हम आपके सामने ला रहे हैं उन 5 कुख्यात गैंगस्टर्स के जो लंबे समय से दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहे हैं। कपिल सांगवान उर्फ नंदू, नजफगढ़ निवासी इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम है। इस पर हत्या, रंगदारी, लूटपाट के एक दर्जन केस पहले से ही दर्ज है। पेरोल जंप कर 2019 से ये फरार चल रहा है। स्पेशल सेल ने इस पर मकोका लगाई है। फरारी के बाद भी हत्या और रंगदारी समेत 7 केसेस में ये मोस्ट वांटेड है। इसके गैंग में 12 सक्रिय मेंबर है, जिसमें जेल में बंद सगा भाई ज्याति सांगवान उर्फ बाबा भी शामिल है। दीपक पहल उर्फ बॉक्सर, सोनीपत निवासी जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट 2016 में बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी से गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को छुड़ाने पर चर्चा में आया था। 2 लाख इनामी बॉक्सर गोगी गैंग पर 2018 में मकोका लगने के बाद से ये फरार है। फरारी के दौरान भी 2 मर्डर, 1 पुलिस वालों पर कातिलाना हमला। जीटीबी अस्पताल से पिछले साल कुलदीप और फज्जा को पुलिस कस्टडी से भगाकर ले जाने के मामले में वांटेड चल रहा है। विजय सिंह उर्फ पहलवान, वसंत कुंज नॉर्थ थाने के इस घोषित बदमाश पर 1 लाख का इनाम है। मर्डर केस में 2011 में पेरोल में बाहर आया था और तभी से फरार है। इस पर पहले से मर्डर, हत्या के प्रयास, कब्जा करने समेत कुल 24 केस दर्ज हैं। ये 2011 में वसंत कुंज नॉर्थ के किडनैपिंग के बाद मर्डर और 2019 में किशनगढ़ के रंगदारी के एक मामले में वांटेड चल रहा है। फिलहाल ये अंडरग्राउंड बताया जा रहा है, जिसमें इसकी कोई गतिविधियां सामने नहीं आई हैं। विकास गुलिया उर्फ लगरपुरिया, झज्जर का विकास 1,10,000 रुपए का इनामी है। रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ने के दौरान नजफगढ़ के अखाड़े में जाने लगा। यहाँ गैंगस्टर धीरपाल उर्फ काना के संपर्क में आया। काना की मंजित महाल से गैंगवार हुई तो दोनों ने गैंग बना लिया। मर्डर, रंगदारी और जमीन कब्जे के कुल 14 केस इस पर हैं। मकोका में 2015 से वांटेड है। अगस्त 2021 में गुड़गांव के 30 करोड़ की चोरी का मास्टरमाइंड है, जिसमें 16 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। इसके दुबई में होने के इनपुट हैं। इसके साथ ही काना को स्पेशल सेल ने 28 अप्रैल को पकड़ा है। समुद्र खत्री उर्फ सुरेंद्र उर्फ नरेश, नरेला के मामूरपुर का रहने वाला समुद्र कई संगीन वारदातों में शामिल है। इस पर नरेला और सोनीपत में मर्डर समेत कई केसेस हैं। जेल से बाहर आने के बाद अगले ही दिन 2015 में दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की हत्या में इसकी तलाश है। हरियाणा पुलिस की एक सिपाही की हत्या में भी ये शामिल रहा है। इस पर 3 लाख रुपए का इनाम है। इसके गैंग मेंबर्स पकड़े जा चुके हैं। काफी लंबे समय से इसकी कोई गतिविधियां देखने या सुनने को नहीं मिली। ये वो कुख्यात बदमाश हैं जो दिल्ली पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं।